अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू की वर्किंग करेंगे। आप सबको मैं रिवाइज कराती चलूँ कि हमने उर्दू की पिछली वर्किंग में जो है अलिफ लिखना सीखा था। क्या लिखना सीखा था? अलिफ। ठीक है, अब हम अलिफ मद आ लिखना सीखेंगे। अलिफ के बाद अलिफ मद आ। अब हम पहले ड्रेसिंग करेंगे, देन हम खुद से लिखेंगे और हमें कलरिंग भी करनी है। सबसे पहले तो हम डेट मैंशन करेंगे। आज डेट है 24 जून 2020। मेंशन करेंगे कि हम ये अपना वर्क घर पे कर रहे हैं, तो घर के काम पे टिक लगाएंगे। देन अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ड्रेसिंग बिल्कुल लॉट्स पे। ठीक है, इस तरह बिल्कुल डॉट्स पे, ये हमारा अलिफ मद आ। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे होगा। अलिफ मद आ। ठीक है, अलिफ मद आ। अब हमने ट्रेसिंग तो कर लिया, हमें खुद से भी तो लिखना है ना। ये इस एरो को हमने कर्व बना दिया और इस डॉट से लाइन ड्रॉ कर दी, हमारा बन गया अलिफ मद आ। इस कर्व से इस वाले कर्व तक एक लाइन ड्रॉ, छोटा सा कर्व बनाया और ब्लू डॉट से लाइन ड्रॉ कर दिया, हमारे पास बन गया अलिफ मद आ। इस कर्व से एक छोटा सा कर्व बनाया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या बन गया हमारे पास? अलिफ मद आ। अब इसी तरह हमें कलरिंग करनी है। ठीक है, अलिफ मद आ से आम, अलिफ मद आ से आईना, अलिफ मद आ से आम, अलिफ मद आ से आईना। जब हमारा ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, देन हम अपना पेज टर्न करेंगे और हमें ये वाला वर्ड भी सेम एज इट इज़ ही करना है।